इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी आरिफ खान की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान एटीएस ने जैसलमेर में भी संदिग्ध लोगों पर नजर रखने का अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल आतंकी आरिफ खान से राजस्थान एटीएस पूछताछ कर रही है। राजस्थान एटीएस के अलर्ट के बाद पुलिस को सतर्क रहकर रहना होगा और क्षेत्र में संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखने के निर्देश मिले हैं। उसके साथ ही शहर की होटल्स, धर्मशालाओं में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर पुलिस की तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है। जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी बेसेज हैं उस पर हम संबंधित एयरफोर्स या आर्मी या बीएसएफ से समन्वय बनाकर समय समय पर उनके आसपास रहने वाले जो भी व्यक्ति उनका सबका वेरिफिकेशन किया जाता है। कंटिन्यूअस समय समय पर पुलिस द्वारा भी गश्त की जाती है। यदि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो उसकी चेकिंग भी की जाती है। जैसे 26 जनवरी से जस्ट पहले एयरफोर्स और आर्मी के साथ उनके पूरी बाउंड्री पर रहने वाले सभी लोगों की चेकिंग की गई थी, गश्त की गई थी। सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिसिंग के नज़रिए से पुलिस ऑफिसर्स कंटिन्यूसली जाते हैं, आर्मी ऑफिसर से, एयरफोर्स ऑफिसर से टच में रहते हैं।